हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये रहा हेयर शिखा का। आज मैं इनको करने जा रही हूँ उमरे। तो दोस्तों, अभी उमरे ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये उमरे कलर करूँगी। उमरे कलर क्या होता है आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग बताना। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहें। ये देखिए, ये हेयर है। उमरे करने के बाद फिर आप लोगों को हेयर में दिखाऊंगी। दोस्तों, सिल्वर फॉयल ली हूँ। उसके बाद मैं सिल्वर फॉयल के साथ में 6 इंच तक प्री लाइटनिंग करूँगी बालों को। सारे बालों में, मतलब जितना सिल्वर फॉयल में आपके बाल आ सके उतने बालों को लूँगी। उसके बाद मैं वहाँ पे प्री लाइटनिंग कर रही हूँ। फ्रंट और बैक को मैं अच्छी तरह से सिल्वर फॉयल में ये कर रही हूँ प्री लाइटनिंग, ताकि कहीं छूट ना जाए। ब्रश को अच्छी तरह से बालों को आगे पीछे करके मैं प्री लाइटनिंग कर रही हूँ। ये देखिए करने का तरीका। ऊपर नीचे क्रीम को अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ, ताकि कोई बाल हाइड ना हो जाए। सारे बालों में प्री लाइट अच्छी तरह से हो जाए, और फॉयल को अच्छी तरह से चिपकाना है, ताकि उसमें अंदर हवा ना जाए। दोस्तों, इनका बाल पहले से ही बहुत खूबसूरत बाल है, और ये ग्लोबल कलर करवा चुकी थी और हाइलाइटनिंग भी हो चुका था, इसलिए इनका बालों का कलर बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ साथ मैं इनको उमरे कर रही हूँ, तो और भी निखर के आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, आप लोग बहुत जल्द बहुत ही खूबसूरत हेयर को देखेंगे। सारे बालों में फॉयल लग जाने के बाद 10 से 12 मिनट तक मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। टाइम हो चुका है 10 मिनट, और आप लोगों को वेट करना भी नहीं पड़ा है। अब मैं इनके बालों को अच्छी तरह से वॉश करूंगी, सारा क्रीम को अच्छी तरह से धो लूंगी। दोस्तों, प्री लाइटनिंग के बाद देखिए ये लुक आया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इस बालों में कलर करूंगी। ये रहा रेड कलर, और मैं कलर को बना चुकी हूँ 30 वॉल्यूम के साथ, और इसे मैं हाथों से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और कम टाइम में ही मुझे करना था। ये सारा कलर लग चुका है, अब मैं इसे 20 मिनट तक छोड़ दूँगी। 20 मिनट छोड़ने के बाद बालों को अच्छी तरह से सबसे पहले मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए मेरा फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत आया है, सच में एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा। तो दोस्तों, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को